एडवेंचर हमको मिलने चाहिए कि वही देश पे राज करेगा जो ओपीएस की बात करेगा। सबसे बड़ी अगर मांग है रेलवे कर्मचारियों की, नहीं राज्य कर्मचारियों की, केंद्र कर्मचारियों की, तो ये 2023 का जो अंतिम साल चल रहा है इसमें एक ही मांग है युवाओं की, क्योंकि 2023 में लगभग 80% ऐसे कर्मचारी है जो एनपीएस में आते हैं, तो इन कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमको और पेंशन मिलनी चाहिए। तो और पेंशन के लिए ये किसी छुट्टी लेकर नहीं आया, ये केवल अपनी मांग है। और सबसे बड़ी है कि 1974 में इंदिरा गांधी जैसी जो मजबूत सरकार थी, वो भी एक 74 की जो स्ट्राइक हुई थी, रेलवे स्ट्राइक, उसके बाद वो गिर गई थी। तो जब इंदिरा गांधी जैसी मजबूत सरकार गिर सकती है, तो ये तत्कालीन सरकार क्या है? साथियों, कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों का, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्र कर्मचारियों का, केंद्र के कर्मचारियों का सवाल हो, तो सरकार भी जो मांगे हैं उस मांगों से जो सरकार है वो भी बौखलाई हुई है। तो मैं आज यहाँ पर हमारे साथियों से भी मैं आज वार्तालाप करूँगा कि सबसे जो बड़ा मुद्दा है ओपीएस बहाल करो, एनपीएस खत्म करो, फिर क्या रणनीति है संगठनों की, क्या सरकार को हरा पाएंगे 2024 में। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि आपका नाम क्या है और आपकी डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम संजय सूर्यपली है, मैं वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद डिवीजन का जॉइंट डिविजनल सेक्रेटरी हूँ और जैक्सन कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूँ। देखिए कि सबसे चार बड़ी महारैलियाँ हुई, जिसमें 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी महारैली से कर्मचारियों में एक विश्वास पैदा कर दिया है और सरकार को एक डर बिठा दिया है कि आने वाली जो युवा है, जो एनपीएस कर्मचारी है, वो ओल्ड पेंशन के लिए जो वोट करेंगे वो सरकार ही बनाएंगे। तो आपका क्या कहना है ओल्ड पेंशन के लिए? बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे कि हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड सी गोपाल मिश्रा जी ने आह्वान किया था, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि हमने अभी कुछ महीनों पहले ही दिल्ली रामलीला मैदान में इतनी बड़ी महारैली की थी, जिसमें करीबन 1.25 लाख से ज़्यादा रेलवे कर्मचारी और स्टेट के और अन्य कर्मचारी लोग शामिल हुए थे, जिसमें हमारा एक ही नारा था, एनपीएस गो बैक। एनपीएस को हटा के हमें ओपीएस को लागू करना है और इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, हमारी सीआरएमयू सेंट्रल रेलवे, हमारी मजदूर यूनियन और तमाम एफिलेटेड यूनियन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से पूरे देश में हमने एक मुहिम सी छेड़ रखी है और रेल कर्मचारी नहीं, रेल कर्मचारी के साथ हमारे सगे संबंधी, हमारे जितने रिश्तेदार, हमारे दोस्त मित्र, हम हर जगह इस मुहिम को छेड़ेंगे और हम घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि अगर आपको अपनी सिक्योरिटी, अगर हम जैसे बात करें हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम, अगर वो हमें हासिल करना है तो हमें इस एनपीएस को नाबूद करना पड़ेगा। और एनपीएस को हम तभी नाबूद कर पाएंगे जब इस सरकार को हम हमारे मत के अधिकार से डरा पाएंगे। सरकार तब तक नहीं मानेगी जब तक उसे डर नहीं होगा कि ये सरकारी कर्मचारी, 50 लाख से ज़्यादा रेलवे सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार और उनके रिश्तेदार सब मिलकर अगर एक हो गए, तो जिस तरह से आपने देखा अन्य स्टेट में जो एनपीएस जहां पे लागू थी वहां पे। सर, ये बड़ा सवाल है कि कर्मचारी आज पढ़े लिखे कर्मचारी है और पढ़े लिखे कर्मचारी वो मानते हैं कि बुढ़ापे की लाठी और बुढ़ापे का जो कवच है वो ओल्ड पेंशन है, क्योंकि अगर एनपीएस मिलती है आपकी 70,000 सैलरी और आप मान लीजिए 1 साल बाद में रिटायर होते हो तो 4,000 आपको एनपीएस पेंशन मिलेगी, आपकी 60 वर्ष की उम्र हो चुकी होती है, उस समय आपके पास कोई काम करने का कोई शरीर भी काम नहीं करेगा। तो सरकार कह रही है कि हम ओल्ड पेंशन नहीं देंगे जिसके उसमें संशोधन करेंगे, ऐसे सामने आया है, तो क्या आप संशोधन को मानेंगे या प्योर ओल्ड पेंशन लोगे? हम सरकार के किसी भी छलावे को नहीं मानेंगे, हमें जो ओपीएस जो आज मिल रही है वैसी ही ओपीएस हमें भविष्य में भी चाहिए। हम सरकार की किसी भी इस तरह की लाभा, मतलब जो हमें लुभावना जो ये बता रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। हमें जैसी ओल्ड पेंशन स्कीम आज है वैसी भी हमें हमारे युवा साथियों के लिए चाहिए, जो आज करीबन 6 लाख से ज़्यादा रेलवे कर्मचारी है जो एनपीएस में है रेलवे में। ओल्ड पेंशन के लिए ऐसा संगठन क्या करे जिसके लिए वो विश्वास करे कि मैं ओल्ड पेंशन के लिए, हम अगर हड़ताल के लिए अगर हमारे सेनापति या संगठन के नेता अगर कहें तो हड़ताल पर जाए, तो ऐसा क्या विश्वास दिला पाएंगे? देखिए आप लोग, आप इतिहास गवाह है कि 1974 में इंदिरा गांधी जैसी जो मजबूत सरकार थी, वो भी एक 74 की जो स्ट्राइक हुई थी रेलवे स्ट्राइक, उसके बाद वो गिर गई थी। तो जब इंदिरा गांधी जैसी मजबूत सरकार गिर सकती है, तो ये तत्कालीन सरकार क्या है? अगर रेलवे कर्मचारी और सभी सरकारी कर्मचारियों ने अगर ये ठान लिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ला के रहना है, तो 50 लाख सरकारी कर्मचारी और उनके रिश्तेदार और उनके जितने भी सगे संबंधी है, अगर सबने ठान ली और सरकार को इस बात का अगर पता चल गया कि ये अगर सारे एक तरफ हो गए, अगर हमें वोट नहीं दिया, तो सरकार को जैसे अन्य स्टेट में ओपीएस लागू किया, ऐसे पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतीय रेलवे में और हर जगह सरकारी कर्मचारी को ओपीएस देना पड़ेगा। परंतु अभी देखिए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू है, अभी हाल ही में पहले चुनाव में बहाल किया गया था, पर 2023 के जो 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो क्या कर्मचारी ओपीएस में वोट करेंगे या फिर कर्मचारी सरकार को रिपीट करने देंगे? देखिए मैं बोलता हूँ, जैसे अभी हमारे आज आपने देखा होगा दिवस में नारा था कि वही देश पे राज करेगा जो ओपीएस की बात करेगा, और हम और हमारे सारे कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमें देगी, उसी सरकार को हम और हमारे साथी वोट करेंगे। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा को मेरा यही संदेश है कि आप लोग एकजुट हो
और एक चेन बनाइए, और ऐसी चेन बनाइए कि हजारों लाखों लोगों को उसमें इकट्ठा करिए, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को, अपने साथी कर्मचारियों को, और सरकार तक, मोदी सरकार तक ये मैसेज जाना चाहिए कि सभी सरकारी कर्मचारी एक हो गए हैं, और अगर उन्होंने हमें ओपीएस नहीं दी तो इस बार सरकार का तख्ता पलट होना तय है। आप ये बताइए कि बहुत सारे अर्थशास्त्री ये भी बोल रहे हैं, आरबीआई ने, आरबीआई का गवर्नर भी ये बोल रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन दी गई तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में भारत कमज़ोर हो जाएगा, परंतु कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर कर्मचारी को ओल्ड पेंशन देना एक रेवड़ी जैसा है तो फिर नेताओं को रेवड़ी क्यों दी जा रही है। यही तो, यही विडंबना है, ये सरकार जो है लोगों को गलत संदेश दे रही है और गलत बात समझा रही है। आप ये सोचो, हम कर्मचारी जो है अपनी पूरी जिंदगी रेलवे की सेवा हो या केंद्र सरकार की सेवा हो, तन मन धन से करते हैं, और ये सरकार हमें रेवड़ी नहीं दे रही है, ये हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सरकार जो है किसी कर्मचारी को पेंशन जो दे रही है वो भीख नहीं दे रही है, वो उसका अधिकार है। ये सरकार रेल कर्मचारी और अनेक जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके हक को दोहन कर रही है, उनका शोषण कर रही है। परंतु एक मैं और बताना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार को बहुत बड़ा मुद्दा मिल चुका है और कर्मचारी को लुभाना भी है कि जहाँ पर ओल्ड पेंशन की घोषणा की जा रही है वहाँ पर ही सरकार पलट रही है, उसकी ही सरकार आ रही है जो ओल्ड पेंशन की घोषणा कर रहे हैं। हम किसी रेल कर्मचारी हैं, हम किसी सरकार के पक्ष और विरोध में बात नहीं करते हैं, हम कर्मचारियों के हित की बात करते हैं। जो रेल कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों के हित की बात करेगा, हम कांग्रेस तो कर्मचारियों के हित की बात कर रहे हैं ना, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, जो पार्टी खुल करके हमारे कर्मचारियों के हित की बात करेगी, हम कर्मचारियों का वोट एक मुफ्त उनको पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। मैं सार्वजनिक रूप से किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि जो भी, ताकि मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कल डर हो जाए भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी, एनडीए सरकार को भी, कि जिससे कि वो डर करके, उनके अंदर ये डर समा जाए कि भाई अगर हम केंद्रीय कर्मचारियों को अगर अपने पक्ष में नहीं लें तो हमारी सत्ता चली जाएगी। संजय जी, एक और लास्ट सवाल है आपसे कि आपको पता है कि ये पांच राज्यों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य ऐसे हैं जिसने कभी एनपीएस योजना लागू ही नहीं की गई थी, तो क्या ये पांच राज्य सरकार को बताएंगे कि भाई ओल्ड पेंशन चालू नहीं की गई तो पाँच राज्य बीजेपी की पार्टी से जाएंगे? जहाँ तक मेरा मानना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, और इस इलेक्शन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, अगर इन्होंने ओपीएस की बात नहीं की जो भी राज्य सरकार ने, तो हो सकता है कि वहाँ तख्ता पलट हो, और जो सरकार ओपीएस की बात करेगी उन राज्यों में वो सरकार जरूर आएगी। कर्मचारियों का यही कहना है कि जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा, परंतु ये भी सबसे बड़ा रिजल्ट 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा, क्या जो कर्मचारी ओपीएस को वोट करेंगे या सरकारें रिपीट होगी, ये भी 3 दिसंबर को पता चलेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।